हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ममता सिंह ब्लॉग में। और अभी शाम का 5:30 हो रहा है, तो अभी आया हम थोड़ा देर पहले। मेरा पार्सल, दो चीज़ मैंने ऑर्डर किया था। एक तो अलमीरा, वो देखिए। वैसे तो ये शूज रैक है, पर मैं इसे किसी और चीज़ के लिए लाई हूँ, तो दिखाती हूँ कहाँ पर मैं ये लगाने वाली हूँ। पहले ये फिक्स करेंगे हस्बैंड जी, उनको अगर टाइम मिला तो, नहीं तो वो फिक्स करने वाले आएँगे। देखिए, और ये छोटा सा है, और बस थोड़ा सा ही सामान रखने के लिए मुझे चाहिए था, जो मैं अभी दिखा रही हूँ आपको कहाँ लगाना है मुझे। तो वो देखिए फ्रेंड्स, वो जो है बॉक्स, प्लास्टिक का बॉक्स है, तो इसी में अभी तक मैं रखती थी सिलाई के सारे सामान, तो मुझे वहीं पे इतने दूर में ये आ जाएगा। तो इसमें मैं आराम से, डोर भी है तो आराम से इसमें रख सकती हूँ। कस्टमर के जितने भी कपड़े होते हैं सिलाई के, तो वो सब मैं आराम से रख सकती हूँ। नहीं तो देखिए कहाँ कहाँ रखना पड़ता है। अभी तो सिलाई है नहीं, नहीं तो पूरा ये भर जाता था और फिर मुझे इस बेड के अंदर रखना पड़ता था। तो अब इसमें आ जाएंगे सारे। देखने में ये चुटकू सा लग रहा है, पर है उतना साइज का है, वो चेयर तक चला जाएगा और मशीन के अंदर भी चला जाएगा। वो बॉक्स हटा दूँगी मैं, तो अपना मतलब स्पेस देख ही के मंगाई हूँ, कितना स्पेस लगेगा रखने के लिए, तो उतना ही मैं स्पेस देख कर, इसका साइज वाइज देख कर ही मंगाई हूँ। तो इसे जब फिक्स करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कैसा लगेगा वहाँ पर लगाने के बाद, और मेरा सारा सामान जाता है कि नहीं उसमें। और एक लंच बॉक्स ऑर्डर की थी सोनी के लिए, तो वो भी देखी, बोल रही थी काफ़ी बड़ा है और चिपटा सा है, तो अगर वो नहीं लेगी तो ईशान का काम आएगा। उसका टिफिन बॉक्स टूट गया था, तो आज तो जैसे तैसे लेकर गई, छोटा सा बॉल था उसी में, तो आज आ गया तो कल से ले जाएगी अब इस टिफिन बॉक्स में। तो अभी चाय पी के, हस्बैंड जी भी आज दिन भर नहीं गए थे, दिन भर घर पे ही थे और अभी उठ कर गए हैं चाय। और ये देखिए ईशान को, अमिया, ईशान हाय ब्रो। टिशुम टिशुम चार टिशुम। तो आज एक ब्लाउज मैंने कंप्लीट किया है, जो कि दिखाऊंगी अभी आपको, और थोड़ा सा काम बाकी है, तो वो ब्लाउज भी कंप्लीट हो गया है। चलिए दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है ब्लाउज जो मैंने बनाया है अभी, और इसमें ये बो दिया है, ये देखिए। और ये गले का डिज़ाइन कुछ अलग सा बनाई थी, पर राउंड लग रहा है ये, वी शेप में बनाई थी, वी शेप बोल रही हूँ, पान के पत्ते जैसा होता है सिर्फ उस टाइप में बनाई थी, पर राउंड ही लग रहा है। और ये बैक साइड पूरा ही डिज़ाइन है सीक्वेंस का और एम्ब्रॉयडरी के साथ, और स्टोन वर्क भी है। और इसका फ्रंट का तो सिंपल सा प्लेन है, कप्स लगाया हुआ है। तो कल मैंने एक दिन में ही कंप्लीट किया है, कि जब मैं लग जाती हूँ तो टाइम नहीं लगता है, इसलिए मैं बस मुझे बैठना चाहिए अपने मशीन पे, और ये तो हल्ला करते ही रहेगा। तो ये ब्लाउज कंप्लीट हो गया है, बस एक हुक लगाना बाकी है। तो ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा बताइएगा जरा। ये देखिए वो इस तरह से बनाया है मैंने। ये ब्लू कलर है, पर इसमें व्हाइट लाइट कलर दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये रहा लंच बॉक्स जो मैं ओपन करने जा रही हूँ, ये देखिए अनबॉक्सिंग। तो स्टील का है और प्लास्टिक से कोटेड है चारों तरफ, और इसका लॉक भी प्लास्टिक का ही है, और एक्स्ट्रा लॉक भी दिए हैं दो, कि अगर कभी टूट गया तो लगा सकते हैं। क्या है, क्या है ये? बड़ा सा पार्सल है, खोले खोले इसे, क्या इसमें देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम आ बैठे ओपन करने वाले हैं ये बड़ा वाला पार्सल, तो चलिए खोलते हैं इसे और देखते हैं इसमें क्या है। तो ये बारिश के समय में लेके आया है डिलीवर करने के लिए, तो पूरा भीग गया है, और भीग के इसका बॉक्स जो है फट गया है, चारों तरफ से गीला हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले इस बॉक्स को मैं हटा दूँ, और इसमें जो थर्माकोल है वो भी मुझे फेंकना ही पड़ेगा, नहीं तो ईशान पूरा घर में फैला देगा और बहुत ही गंदा लगेगा। और झाड़ू करते समय भी ये उड़ते रहता है, अच्छे से झाड़ू भी नहीं होता है,
तो इसलिए मैं सबसे पहले ये बॉक्स हटा दूँ। तो सब इसे मैं ले जाके एकदम नीचे ही रख आई, क्योंकि इधर उधर भी रहेगा ना तो ईशान तो कहीं भी पहुंच जाता है। तो ये देखिए इतना सारा मटेरियल निकला है इसमें से, और इसे फिक्स करने में बहुत ही समय जाएगी। देखते हैं कैसे फिक्स होगा। मैं सोच रही हूँ मैं ट्राई कर लेती हूँ एक बार, क्योंकि हस्बैंड जी को कब टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, और बहुत ही बिजी रहते हैं। तो इसे देख रही थी मैं कैसे फिक्स करूं। पहले बहुत ही सोचना पड़ेगा, बहुत सारा इसमें मटेरियल दिया हुआ है, स्क्रू और छोटे छोटे कील है, और लकड़ी का भी बनाया हुआ दिया हुआ है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और ईशान भी बहुत एक्साइटेड है कि क्या होगा क्या बनेगा। चलो देखते हैं, बहुत हेल्प करने में आज आगे रहता है, तो स्क्रू से पूरा लगाने में लग गया था ये भी। और मैं बहुत ही ध्यान से देख रही थी पर हो नहीं रहा था, मुझसे समझ ही में नहीं आ रहा था। तो फिर थोड़ी देर में सोनी आई, बोली चलो फिक्स करते हैं। फ्रेंड्स इतने सारे मटेरियल है उसके लिए फिक्स करने के लिए। ये देखिए स्क्रू है, और ये शायद पता नहीं ये सब क्या है ये हैंडल है, और ये पता नहीं क्या है, और ये नीचे का फुट होगा शायद, और यहाँ छोटे छोटे स्क्रू है, और ये डोर के लिए है, ये भी दो है ऐसा, और ये है इंस्ट्रक्शन, देखते हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं करूँ क्या स्टार्ट से, थोड़ा बहुत फिक्स करने के लिए सोच रही हूँ, ये स्क्रू ड्राइवर भी लेकर आई हूँ। तो चलिए करते हैं असेंबल, इसे आता है कि नहीं मुझे देखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं इसका इंस्ट्रक्शन देख रही हूँ कि वो उससे शायद आइडिया मिल जाए कैसे लगाना है, पर उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सिर्फ ड्रॉ था और फिक्स करने का स्टेप दिया हुआ था 1 2 3 इस तरह से, पर ये जो मटेरियल है इसको कैसे लगाना है वो सब नहीं दिया हुआ था। तो मैं पहले चेक कर रही थी कि कौन सा डोर है, कौन सा साइड में है, कौन सा मिडिल है, वो सब मैं पहले चेक कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बनाने बैठूँगी फिक्स करने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं इसे लेकर पहले ध्यान से देख रही हूँ कि इसमें क्या कैसे कैसे करना है, और ईशान को देखिए स्क्रू ड्राइवर लेके शैतानी कर रहा है, मस्ती कर रहा है। तो यहाँ पर मैं पहले साइड का खड़ा करके देख रही थी कैसे कैसे करना है, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा पर देखिए होता है कि नहीं। तो बहुत कोशिश करने के बाद बहुत ट्राई किया मैंने कि ऐसे करके देखूँ ऐसे करके देखूँ, फिर सोच रही हूँ छोड़ देती हूँ, हस्बैंड जी आएंगे तो देखेंगे, क्योंकि बहुत ही एकदम सर घूमने वाला है, जल्दी हो नहीं रहा था, समझ ही में नहीं आ रहा था कौन सा कैसे लगाऊँ। उल्टा पलटा करके मैं बहुत सारा देख ली बहुत बार, और क्या क्या कैसे कैसे फिक्स कर रही हूँ करना है वो भी सोच सोच के मैं हैरान हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसे रख देते हैं, अब मुझसे होगा नहीं। तब तक फिर सोनी आई, बोले कि चलिए करते हैं फिक्स करते हैं। तो फिर मुझे चलो हिम्मत मिला, चलो मैं कर लेती हूँ फिक्स। फिर सोनी चली गई, बोली मुझे पढ़ना है, तो वो चली गई, सोची होगी कि मम्मी का झमेला मम्मी संभाले, मैं जा रही हूँ। तो लेकिन निशान मेरा साथ रहता है ये देखिए तंग भी करता है और साथ भी देता है। तो मैं पहला वाला फिक्स कर दी, ये देखिए अपने से आइडिया लगाया क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो ये जो राउंड वाला था मैं दिखाई थी उसमें मैं स्क्रू लगा के देख रही थी कि शायद इससे होगा, तो उससे तो हो नहीं रहा था, स्क्रू तो लग नहीं रहा था उसमें। तो फिर मैं स्क्रू ड्राइवर से इसी घुमा के देखी तो लॉक हो गया, तब मुझे आइडिया मिल गया कि नहीं ऐसे ऐसे फिक्स करना है। तब आस्ते आस्ते सब समझ में आने लग गया कि कैसे कैसे क्या क्या फिक्स करना है। तो मैं एकदम बैठ गई, अब मैं इसे बना के ही दम लूँगी चाहे जो भी हो। तो मुझे ये सब करने में 2 घंटा लग गया, 6 बजे से बैठी थी मैं चाय पी के और 8 बज गया, लेकिन मैंने फिक्स करके ही छोड़ा, इसे ऐसे नहीं छोड़ा। ये देखिए फ्रेंड्स ये एक लग गया है, ये एक
ये जो है इसको इस तरह से लगाना पड़ता है, इसको भी ऐसे देखिए तीनों लग गया और इसमें ये लगा हुआ है इस तरह से, ये गोल इसको घुमाने से फिक्स हो जाएगा। ओके इसको कैसे घुमा देंगे, मैंने उल्टा कर दिया इसको पहले, इसमें करना चाहिए। तो फ्रेंड्स फिक्स कर करके मैं फिर से खोल रही थी क्योंकि बार बार कभी उल्टा जॉइंट हो जा रहा था, कभी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जा रहा था। तो फिक्स कर करके फिर मैं खोल रही थी और फिर से लगा रही थी और मुझे लग रहा था कि अब मुझसे नहीं होगा। देखिए ये भी मैं उल्टा ही जॉइंट कर रही हूँ, फिर से ऐसे खोलूँगी क्योंकि ये जो गोल्डन कलर दिख रहा है ये बैक साइड में जाएगा और ये देखिए फ्रंट में ब्लैक कलर आएगा। तो थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हमेशा हो रही थी तो बार बार मैं इसे खोल रही थी, फिर फिक्स कर रही थी, फिर खोल रही थी। तो ऐसा करते करते कितना टाइम वेस्ट हुआ मेरा पर मैंने सोचा था कि कर दे करके ही दम लूँगी क्योंकि कोई भी सामान कुछ भी करने से अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा कर ही लेना चाहिए। तो ये देखिए फिर से मैंने सब खोल दिया और फिर से मैं फिक्स कर रही हूँ। तो पहले मैं ये फिक्स कर रही हूँ, फिर उसके बाद डाउन वाला फिक्स कर रही हूँ। तो फिर मैं सोची कि फिर ये मिडिल वाला कैसे फ़िक्स करूँगी, अगर ऊपर नीचे फिक्स हो गया तो। ये देखिए फिर ऊपर साइड वाला भी रख के मैं कर रही थी फिक्स, तो फिर मिडिल वाला में तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं होगा। तो फिर से मैंने इसे निकाला, फिर से मिडिल वाला भी लगाया, उसके बाद फिर फिक्स किया। और यहाँ से थोड़ा सा गैप रह रहा था तो उसे मैं मरतूल से कर रही थी, हथौड़े से ठीक कर रही थी। तो यहाँ पर फिर से मैंने मिडिल वाला भी लगा दिया है और ये अब मैं साइड वाला लगा रही हूँ और साथ में ईशान डांस कर रहा है। तो फ्रेंड्स फिक्स करते करते ये देखिए थोड़ा सा गैप रह ही जा रहा था, कितना भी मैं उसके ऊपर उठी पर थोड़ा सा मिस्टेक के लिए बाद में हस्बैंड जी बताए जब वो आए तो कि थोड़ा सा मिस्टेक के लिए ऐसा हो गया था। जेंट्स तो जेंट्स ही होते हैं कितना भी लेडीज़ लोग अपना दिमाग लगा लें लेकिन उन लोग का आइडिया होता है सब कुछ। तो वही बताया कि थोड़ा सा ये स्क्रू थोड़ा सा लूज़ कर तब एकदम फिक्स बैठेगा। तो सही में फिक्स बैठा, तो वो भी बाद में दिखाऊंगी मैं कैसे गड़बड़ कहाँ हुआ है। तो इतना कर कर के मैं थक गई, तभी फिर भी मैंने इतना किया काफ़ी है तो फिर से मुझे गड़बड़ लग रहा था तो फिर से निकाला, फिर से किया। उफ़ करते करते मैं तो थक गई, अब मैं बोर हो गई, अब मैं सोच रही हूँ कि अब नहीं करूँगी, बस हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं करूँगी, हो गया, काफ़ी हो गया। और ईशान को नाश्ता भी कराना था तो मैंने बस इतना ही करके रख दिया और बाद में देखूँगी हस्बैंड जी आएंगे तो बोलूँगी आप ही करिए, मुझसे तो ये होने से रहा कंप्लीट। और इस तरह से डोर लगेगा ये देखिए दोनों साइड, तो इसमें भी हैंडल वेंडल लगाना है तो होगा किसी दिन। तो चलिए ये देखिए फ्रेंड्स वहाँ पे मैंने लगा दिया है, अभी पूरा फिक्स नहीं हुआ है, थोड़े से के लिए रह गया और डोर अभी बाकी है। डोर तो मुझसे नहीं होगा क्योंकि इसका जो कब्जा लगाना है वो मुझसे नहीं होगा, हस्बैंड जी ही करेंगे। तो मैंने इतना कर दिया, ये देखिए बस यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है, ये जो गैप रह गया है तो उसको ठीक करना है, डिस्टर्ब हो रहा है तो इसीलिए नहीं कर पाई, नहीं तो ये सब भी फिक्स कर देती मैं। तो अभी हस्बैंड जी आए तो फट से हो गया, सिंपल सा वो लॉक जो था उसको ठीक करना था बस, वो गैप जो था वो ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बस यहीं तक,